हाल ही में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का एक ऑर्डर निकला था, करीबन एक हफ्ते पहले की बात है। एक ऑर्डर निकला था जहां डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है उस ऑर्डर में ये साफ साफ बता रहा था कि जो नरेगा के काम हैं उनको चेक करने की बात की जा रही थी। उसके बाद एक ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर के तहत जो है तहसीलदार किश्तवाड़ को ये ऑर्डर्स पास किए गए कि आप जो है टीम्स का गठन करें और जो नरेगा के ग्राउंड जीरो पर काम हो रहे हैं क्या वाकई वो काम हो रहे हैं या नहीं, एक रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट के ज़रिए जो है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ तक पूरे जितने भी ब्लॉक्स किश्तवाड़ के अंदर हैं उनका हाल जानने की कोशिश की है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने की है। एक सराहनीय कदम है और ऐसे काम होने चाहिए और ऐसे डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर जो हैं हर बार और हर बरस निकलने चाहिए। यहाँ ज़िला किश्तवाड़ की मैं बात करूँ तो हम अक्सर ये देखते हैं कि कंप्लेंट जो है वो हर ब्लॉक से आती रहती हैं क्योंकि किश्तवाड़ की मीडिया जो है वो ग्राउंड ज़ीरो के साथ जुड़ी है और हर बार हम लोगों से मिलते हैं और ये कंप्लेंट्स भी आती हैं कि ब्लॉक के काम जो है वो अक्सर नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट में बैठे बैठे लोग जो हैं वो इन कामों को जो है खुरद बुरुद करके जो है वो पैसे कमाते हैं, चाहे उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स मिले हो या जो बाकी जो लोग हैं, ऐसे कंप्लेंट जो है वो आती रहती हैं। मगर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का ये जो ऑर्डर है ये सराहने है, ये लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जो यहाँ टीम गठन की गई है वो जो है मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को जो है अच्छी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आज मैं त्रिगांव ब्लॉक में हूँ और इस वक्त मैं पंचायत ए में हूँ। यहाँ पर तहसीलदार किश्तवाड़ ने एक टीम गठन की है, नायब तहसीलदार जो त्रिगांव के हैं, जो नायब तहसीलदार किश्तवाड़ के हैं वो त्रिगांव के हैं और जो किश्तवाड़ का जो त्रिगांव इलाका आता है यहाँ का जो नायब तहसीलदार है उसके हेडेड में एक टीम बनाई गई है जिसमें आरएनबी हो, तहसीलदार पटवारी त्रिगांव हो, बाकी जो जीआरएस वीआरडब्ल्यूज़ हों उनकी एक टीम गठन की गई है जो इस वक्त इलाका त्रिगांव का विजिट कर रही है, जगह जगह जाकर जो है उनको हमको चेक किया जा रहा है, पटवारी जो है इसको देख रहा है, जगह जगह जो है फीते लगवाए जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर जो है कभी ब्रस्ट वाल दी जाती है, बहुत सारी वॉल्स का काम होता है या बाकी जो काम होते हैं उनको फीते लगाकर जो है नापा जा रहा है और वाकई ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, उन तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग जो इन कामों को चेक कर रहे हैं। तहसीलदार किश्तवाड़, नायब तहसीलदार किश्तवाड़, पटवारी, वीएलडब्ल्यू, जीआरएस जो है वो लगातार ये काम कर रहे हैं। मैं आपको ब्लॉक त्रिगांव की अगर बात करूँ, यहाँ पर जो बीडीओ मैम लास्ट टाइम यहाँ इस ब्लॉक पर इस ब्लॉक की कुर्सी जो है संभाली है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की हैसियत से जब से कुर्सी पर बैठी है तब से लेकर अगर अभी तक देखा जाए तो इस ब्लॉक में कोई भी कंप्लेंट्स कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। हमेशा से ये ब्लॉक त्रिगांव जो है वो सुर्खियों में रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है तो ब्लॉक त्रिगांव जो है वो नंबर एक पर आता है। हमने कई बार देखे, कई बार परफॉर्मेंस देखी, बाकी चीज़ें देखी तो ना तो त्रिगांव ब्लॉक से कभी ऐसा कोई ऐसा मसला सामने आए जिससे किश्तवाड़ का ये ब्लॉक त्रिगांव जो है सुर्खियों में बना। इस बार की जो वीडियो मैडम है जो लगातार इस कोशिश में है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर, और मैंने कहीं काम पर देखा कि वीडियो मैम जो है वो खुद वहाँ पर विजिट करती है, लोगों से पूछती है और ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से ये बातें शेयर करती है, उनसे पूछती है कि अगर आपको कोई मुलाजिम तंग करता है या कोई आपका काम नहीं करता आप डायरेक्ट वो फ़ोन नंबर जो है वो लोगों के साथ शेयर करती हैं और लोग जो है वो डायरेक्ट वीडियो मैम उसके बजाय जो जीआरएस या वीएलडब्ल्यू या जेई से बात करने के बजाय डायरेक्ट वीडियो मैम से बात करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इलाका त्रिगांव के लोगों की खुशकिस्मती है और मुझे उम्मीद है कि आज की रिपोर्ट जो है इस ब्लॉक त्रिगांव की जो है वो सही मानों में जो है सही रिपोर्ट्स बनाएंगी और बनाएंगे और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को सबमिट करेंगे। आज की क्या कुछ विजुअल्स हैं ब्लॉक त्रिगांव की इस ऑर्डर के तहत आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो को अंत तक बने रहे। ये ऑर्डर हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से आया है और उस ऑर्डर को फॉरवर्ड हमें जो डायरेक्शंस मिली हैं वी रिसीव डायरेक्शंस फ्रॉम आवर वर्दी तहसीलदार किश्तवाड़, जिसमें एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि नरेगा के कामों को सपाट पे जाके हम चेक करेंगे, पंचायत वाइज हम चेक करेंगे। इस टीम का हेड जो है नायब तहसीलदार है, हमारे यहाँ त्रिगांव टीम का हेड इट इज हेडेड बाई नायब तहसीलदार त्रिगांव। सो हमने क्या किया कि हमने तीन टीम्स यहाँ बनाई, ए और बी पंचायत के काम मैं बहसीत पटवारी चेक करने जा रहा हूं और उसके बाद हमारी नायब तहसीलदार साहब सी पंचायत में खुद टीम के साथ लीड कर रहे हैं और उसके बाद जो अग्राल और जनवास है उसमें हमारे गिरदावर साहब वो सपाट में जाके चेक करेंगे। तो सो वी विल मूव ऑन टुवर्ड द होल पंचायत ऑफ दिस पटवार हल्का त्रिगांव और हम सपाट पे जाके
जाके एक एक काम चेक करेंगे एंड वी विल कंप्लायंस टू ऑल द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस इशूड बाय आवर वर्दी ऑफिसर्स। क्या आपको जिस हिसाब से मैंने पंचायत हल्का त्रगाम ए और बी में काम चेक किया, एवरी वर्क इज सेटिस्फैक्ट्री और बहुत सारा काम किया हुआ है, जिसके लिए क्रेडिट देना चाहिए ब्लॉक के उन ऑफिशियल्स को जिन्होंने सपाट पे जाके वो काम किए हैं। अभी तक जितना मैंने चेक किया सिर्फ ए और बी में, वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द वर्क इज मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। जहाँ आप देखते हैं कि ग्राउंड जीरो के वर्क्स को लेकर जो है, आपने देखो कि ब्लॉक में अक्सर ये कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि ग्राउंड जीरो के काम जो है जितने कागजों में दिखाया जाता है उतना ग्राउंड जीरो पर होता नहीं, इस पर आप क्या बताएंगे? जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि ए और बी पंचायत में जितना मैंने सपोर्ट विजिट किया है अभी तक सेटिस्फैक्ट्री है, वो बहुत सारा सेटिस्फैक्ट्री है। अभी हम सी पंचायत का और उसके बाद जनवास और द्राब की रिपोर्ट हम बाद में वहाँ जाके वहाँ सपोर्ट में विजिट करके उन तमाम कामों को इकट्ठा करके एक होलिस्टिक रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट की जाएगी।